वेलकम टू विनय साइंस क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ से बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन हर साल आता है। तो आज हम बात करेंगे रूल्स फॉर द ट्रैकिंग इमेजेस फॉर्म बाय द कनकेव मिरर। दैट इज कनकेव मिरर से जो हम लोग इमेज बनाते हैं उसका कुछ रूल्स है, उस रूल्स को अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो आराम से इजीली क्या कर सकते हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं, इमेज का पोजीशन बता सकते हैं, इमेज की साइज बता सकते हैं, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हैं हम लोग। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर सब्सक्राइब माई चैनल वीना साइंस क्लासेस फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन एंड इफ यू वांट एनी वीडियो रिगार्डिंग एनी टॉपिक यू कैन ड्रॉप योर कॉमेंट्स below, and we have a e-learning app Vina Classes, which is available at Play Store. You can download it and you can join live interactive sessions. So aaj ka topic start karte hain, rules for image formations. So first rule is a ray of light falling on a concave mirror and parallel to principal axis passes through focus of the mirror after reflection. तो डायग्राम क्या होगा, देखिए क्या बोल रहा है कि एक रे है, हमने क्या करना है पहले एक कनकेव मिरर बना लेंगे। हमने एक कनकेव मिरर बनाया और उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, दैट इज प्रिंसिपल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज फोकस, दिस इज द सॉरी ये पोल एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो बोला है अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ कनकेव मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पे कोई कनकेव मिरर पे क्या करता है, फॉल करता है, जैसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, फोकस से क्या करेगा ये पास करेगा। दिस इज द फर्स्ट रूल, वेरी सिंपल, और इसी रूल को हम लोग एक पार्टिकुलर रूल बना के चलेंगे। बाद में मैं आपको बताता हूँ कि ये जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट रूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी टाइप इमेज फॉर्मेशन होंगे फर्स्ट रूल अप्लीकेबल होगा। मैं ऐसा एक स्टैंडर्ड रूल बनाएंगे, मेथड यूज़ करेंगे, इसमें क्या देखेंगे हम लोग एक फर्स्ट रूल तो हमेशा हर एक इमेज बनाने में इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट रूल देखते हैं। सो दिस इज द सेकेंड रूल, अ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं हम लोग, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या है ये रूल कहना चाहता है। हमने सेम जैसे हमने पहले लिखा था, जितने पॉइंट्स नेसेसरी है फोकस कर्वेचर फोकस एंड पोल, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। सो क्या बोला, अरे ऑफ लाइट पासिस थ्रू द फोकस। अगर कोई रे क्या करता है, इंसिडेंट करता है फोकस से, फोकस से पास करता है, इंसिडेंट रे जो है अगर फोकस से पास करता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या करेगा ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। देखिए दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल। देखिए सिमिलरली जस्ट जो फर्स्ट रूल था जिसका इसका अपोजिट है, फर्स्ट रूल क्या बोला गया देखिए कि अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पे इंसिडेंट करेगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या करेगा फोकस से पास होगा। सेकेंड रूल क्या कह रहा है देखिए, अगर फोकस से इंसिडेंट करेगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगा। ओके, इंडिकेटर यहां पे कर देते हैं, बेस्ट रहेगा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड। तो देखिए दो रूल हुआ और दोनों क्या देख रहा है एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, तो ये दो रूल को आप सिमिलरली एक ही मान सकते हो। एक कैसा हो गया, पैरेलल से होगा तो फोकस से जाएगा, जस्ट उसका वाइस वर्सा कीजिए, फोकस से रहेगा तो पैरेलल जाएगा, नथिंग एल्स। तो ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत। तो रूल्स क्या क्या होंगे देखिए, दो रूल हमने क्या कर दिया सिंपल और एक ही रूल में बन गया। सो थर्ड रूल देखते हैं, थर्ड रूल क्या कहता है। सो नाउ थर्ड रूल, a ray of light incident obliquely at the pole of the concave mirror is reflected obliquely as per laws of reflection. Obliquely का मतलब क्या हो गया, it will incident by making some angle theta.
देखिए इसका डायग्राम पहले बनाते हैं, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसका अदर डिफिनेशन भी हम लोग बना बोल सकते हैं इसको अदर वे से। दिस इज द पोल, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज द फोकस। ओके, बोला रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली। अब क्या करना है, ऑन द पोल, कहाँ पे गिरेगा ये, पोल पे अगर ऑब्लिकली गिरता है, इंसिडेंट होता है या इंसिडेंट एंगल बनाता है, तो इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली एट फर्स्ट लॉ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का लॉ क्या कहता है कि जितना एंगल से इंसिडेंट करेगा उसी एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा, जिस एंगल से इंसिडेंट करेगा उसी एंगल से क्या कहता है, दैट इज कर दीजिए यहाँ पे एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल। और आप इसको दूसरे तरीके से आप बोल सकते हो कि इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट बाय मेकिंग एंगल थीटा, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिफ्लेक्ट विद द सेम एंगल थीटा। फिर से बोल रहा हूँ, इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट बाय मेकिंग एंगल थीटा विद द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल मेक द सेम थीटा विद द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज सेम एज लॉज इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ओके, तो जिसे थर्ड वन, ये भी आपको अब थर्ड रूल भी नया नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने इसको पढ़ चुके हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। तो थर्ड रूल भी हमने क्या देखा कि थर्ड रूल भी हमारा क्या है, सिंपल सा है, जो पहले हम लोगों ने पढ़ चक रखा है वही है। तो हमने पहला रूल और दूसरा रूल देखा था, एक पैरल होगा तो फोकस से जाएगा और फोकस से होगा तो पैरल जाएगा, वो एक रूल था जो नया था। लेकिन थर्ड रूल क्या है हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे, ठीक है। सो फोर्थ रूल देखते हैं, फोर्थ रूल क्या होता है। सो नेक्स्ट एंड द लास्ट रूल, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ। क्या बोल रहा है, देखिए डायग्राम देखते हैं इसका, हम लोग इसका डायग्राम हम लोग बनाते हैं। This is the pole, this is the center of curvature, this is the focus. क्या बोला है, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, इंसिडेंट किया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये इंसिडेंट रे, आफ्टर रिफ्लेक्टर इट विल रिफ्लेक्ट बैक अलॉन्ग द सेम पाथ, मतलब क्या होगा, इसी रास्ते में ये क्या करता है, बैक हो जाता है। देखिए अब ये सोचिए कि ये नया रूल है, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये नया रूल है तो यू आर रॉन्ग, ये नया नहीं है। हम आपको बताते हैं अभी कि ये कहाँ से आया और कैसे बना, ठीक है। तो फिर हम लोग इसको देखते हैं, देखिए हम लोगों ने पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था, कि अगर कोई लाइट इंसिडेंट करता है नॉर्मल ऑन द सरफेस तो क्या करता है, ये नॉर्मली बैक होगा। ये क्यों होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, नॉर्मली इसका मतलब क्या, एंगल आई कितना हो गया ये 90 डिग्री, तो एंगल आर भी कितना होगा 90 डिग्री, ये लॉ के अकॉर्डिंग ही है। बट यहाँ पे जो बोल रहा है, आप लोग सोच रहे हो यहाँ पे भी 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, तो उसकी हम लोग बात करते हैं। आप लोगों ने थोड़ा सा अगर मैथमेटिक्स किया है पढ़ा होगा तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा, सर्कल का जो रेडियस होता है ना, ये रेडियस जो होता है इट इज ऑलवेज 90 डिग्री, क्लास 9 में आपने को पढ़ा है। टेंजेंट जो हम लोग ड्रॉ करते हैं किसी भी सर्कल पे तो वो रेडियस में कितना आता है, 90 डिग्री बनाता है। और कोई भी लाइन एनी रे पासिस थ्रू द सेंटर एंड टचेस द कर्वेचर या सर्कमफ्रेंस इज द रेडियस, दिस इज द व्हाट इज दिस इज द सर्कम दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एट इज पास टू सेंटर ऑफ कर्वेचर दियर टू ईयर, दिस इज द रेडियस, दैट इज रेडियस, दैट मीन्स इट इज इंसिडेंट 90 डिग्री टू द सर्कम। कैसे बन रहा है, 90 डिग्री गिर रहा है तो क्या करेगा, ऑब्वियसली इसी रास्ते पे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये 90 डिग्री है तो वापस कैसे जाएगा, ये वापस इधर ही आ जाएगा। तो दिस इज दिस फोर्थ रूल इज नॉट अ न्यू रूल, ऑलरेडी आप लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि क्या होता है, जब 90 डिग्री पे इंसिडेंट करेगा कोई भी रेज, अगर 90 डिग्री से इंसिडेंट करता है तो वहीं उसी पार सेम मीडियम में वापस उसी रास्ते से चला जाता है, ठीक है।
दिस इज द फोर्थ रोल इज नॉट अ न्यू रूल, थर्ड रोल इज ऑल्सो नॉट अ न्यू रूल बिकॉज दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो व्हाट इज द रूल, विच रूल इज न्यू, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन. फिर से ध्यान दीजिए, पहला एंड दूसरा क्या था, नया रूल था हमारे लिए. जो क्या कहता है, पहला रूल कह रहा था, रूल वन हमारे लिए कह रहा था, मैं फिर से उसको रिवाइज करता हूं. रूल वन कह रहा था कि अगर कोई रे पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस से, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल होता है तो फोकस से जाएगा. और रूल टू जस्ट इसका कन्वर्स कह रहा था. क्या कह रहा था कि अगर कोई रे आपका फोकस से पास होता है, कोई रे फोकस से पास होता है तो वो पैरेलल चला जाएगा. देखिए रूल वन एंड रूल आर टू, रूल टू, तो वन एंड टू दोनों ही सेम है. अगर आप किसी रे को इंसिडेंट कराते हो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास टू द फोकस. और सिमिलरली इफ वी इंसिडेंट अ रे passes through the focus and after deflection it will go through the go to the parallel to the principal axis. तो first rule is important and first rule को ही समझना है. दूसरा, तीसरा, चौथा, तीसरा तो हमने laws of reflection के according and चौथा भी laws of reflection के according. This is nothing a new rule. कोई भी नया रूल नहीं हुआ, सिर्फ पहला छोड़ करके पहला दूसरा. क्यों पहला दूसरा क्यों बात नहीं कर रहा हूं कि दूसरा ही जो पहला का वाइस वर्सा उसका रिवर्स है और कुछ नहीं है. आप रिवर्स कर दो, यहां से आप आओ, यहां से आप गिराओ, इंसिडेंट करो तो पैरेलल जाएगा, यहां से कराओगे तो फोकस से पास होगा. तो एक ही रूल, पहला रूल जो हमको याद रखना है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन अ रियल इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पासेस थ्रू द फोकस. फर्स्ट रूल, एक ही रूल आप याद रखिए. अब हम इसका यूज करेंगे जब हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे, दिखाएंगे आपको कि कितना इंपॉर्टेंट है पैरेलल रूल. पहला रूल ऐसा रूल है जो किसी भी पोजीशन पे आप इमेज बनाना चाहते हो, ऑब्जेक्ट हो उसका इमेज आप बना सकते हैं यूजिंग फर्स्ट रूल. फर्स्ट रूल इज मैंडेटरी फॉर द एवरी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू फाइंड द इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग इसका अप्लीकेशन करते हैं, अप्लाई करके क्या करते हैं, जितने भी रूल्स है उसको अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके इमेज फॉर्मेशन बनाना सीखेंगे. तो आप लोग जिन्होंने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल, वीडियो को लाइक करना ना भूले. और आपको इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको वीडियो में तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, ड्रॉप बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं. और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड ऑन योर सोशल नेटवर्किंग साइट लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक एंड एवरीवेयर. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीना साइंस क्लास. फॉर नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ रहा है आपके लिए. थैंक यू.